Hello students, welcome to today's class. I'm S. Kanigam, your chemistry teacher, and in today's session I'm going to teach you some concepts of chapter number 7 of NCERT chemistry, that is the P block elements. Even this chapter is very large, it consists of a lot of concepts. In today's session I will teach you only the introduction of the chapter and the general properties of 15 group element. So let's begin. So today's chapter is chapter number 7 in NCERT, but actually in for session 2020-21 it is chapter number 6, and the name of the chapter is the P block elements. तो ये P block elements क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझना है P block elements क्या है. P block elements के लिए आपको अपनी NCERT की या आपके पास जो भी periodic table है अगर उस पर आप focus करिए तो आपने table को कुछ इस तरीके से देखा होगा. इसकी डिज़ाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हीलियम होगा, इस तरीके से 13, 14, 15, 16, 17, 18, गुड. फिर ए इस तरह से कट जाता है ना. ये एक मैं खाली आउटलुक आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ होता है. पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये ग्रुप नंबर 1, 2, देन यहाँ से 3, ऐसे करके डिवीज़न होगा 10 टोटल, और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट वन इज 18. तो ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको पता है कि इस पूरे ब्लॉक को हम एस ब्लॉक का नाम देते हैं. ये एस ब्लॉक है, ओके. देन ये वाला जो ब्लॉक है ये पी ब्लॉक कहलाता है. देन यहाँ पर ये डी ब्लॉक होता है, और लास्ट में नीचे यहाँ पर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की दो सीरीज बनाई जाती है जो कि एफ ब्लॉक कहलाती है, ओके. इस तरीके से हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है. तो ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स क्यों बने, क्योंकि हमने हमको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस सबसेल में फिल होते हैं, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, पी सबसेल में फिल होंगे, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे. सिमिलर डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो डी सबशेल में हो रही है, तो ये हो जाता है डी ब्लॉक. इसी तरह से एफ ब्लॉक के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में फिल हो रहा है, ठीक है. तो ये एस पी डी एफ आपने पढ़े हुए हैं, ऑर्बिटल्स सबशेल्स पढ़े हुए हैं, उन्हीं सबशेल्स के बेसिस पे हम ये ब्लॉक्स डिसाइड करते हैं, ओके. तो टोटल एस ब्लॉक में हमें पता है कि दो टोटल एस में 2 ग्रुप्स आते हैं, पी में 6 ग्रुप्स आते हैं, और डी में टोटल हमारे 10 ग्रुप्स आएंगे, ओके. तो ये 6 ग्रुप्स क्यों होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो 6 ग्रुप्स क्यों पजेस करते हैं. द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, एंड द कॉन्सेप्ट इज बिकॉज पी सबशेल की अगर हम बात करें, पी सबशेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कैन एकोमोडेट, तो इसको निकालने के लिए भी आपको पहले से लॉजिक तो पहले से पता ही होगी. हम क्या करते हैं कि जो n की जो सॉरी l की वैल्यू होती है फॉर p फॉर l, द वैल्यू ऑफ l फॉर p इज 1, इट इज 1, ओके. सो आई हैव टू राइट इट समवेयर वेयर यू यू कैन सी इट. फॉर एग्जांपल फॉर l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये हमने पढ़ा हुआ है. दिस इज द क्वांटम नंबर, एज अ मतलब क्वांटम नंबर s p d f के लिए होता है. तो p की बात करें तो l की वैल्यू 1 है. तो इफ़ l इज इक्वल टू 1 तो m की वैल्यू हमने पढ़ी थी -1, 0, +1, यानी कि एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल और तीन ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दो इसमें और दो इसमें, टोटल 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन द पी सबशेल, दैट्स वाई दे आर 6 ग्रुप्स एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 13 to 18, नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से 6 ग्रुप्स होंगे, ओके. तो ये तो हो गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो ज़रूरी था बताना. अब हम बात करते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमको कौन कौन से पढ़ने हैं. तो इन अवर सिलेबस हमें सिर्फ 15 टू 18 पढ़ने हैं, 15 से लेके 18 तक पढ़ने हैं, 13, 14 हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि 13, 14 हमने क्लास 11th में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है. तो हम 15, 16, 17, 18 की बात करते हैं, ओके. तो अब हम बात करते हैं, सीधे ग्रुप 15 की तरफ मूव करेंगे. तो हमारा टॉपिक आज का शुरू होने जा रहा है ग्रुप 15, ओके. तो द हेडिंग इज ग्रुप 15 एलिमेंट.
So in group 15, how many elements are there and what are the names? So पहला हमारा हो जाएगा nitrogen, then phosphorus. I think अगर मैं symbol लिखूँगा तो भी आपको समझ में आएगा. Okay, nitrogen, then phosphorus, then arsenic हो जाएगा, then antimony हो जाएगा, then bismuth हो जाएगा. ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है. एक और है moscovium. Okay, moscovium भी है जो कि radioactive, इसलिए इसकी study हम करते नहीं हैं. It is moscovium. It is एक्चुअली ट्रांस यूरेनिक भी कहते हैं इसको. हम ट्रांसम्यूटेड एलिमेंट भी बोलते हैं जो बनाए जाते हैं, जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, उनको हम ट्रांसम्यूटेड बोलते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 6, बट हमें पढ़ने हैं सिर्फ 5 के बारे में. छठा हमें उतना ज़्यादा इस डिटेल में स्टडी नहीं करना है. तो ये सारी फैमिली को हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं. दिस टर्म्ड एज नाइट्रोजन फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल. अलॉन्ग विद दिस दे आर ऑल्सो नेम्ड एज निकोजेंस, वेयर पी इज द फर्स्ट लेटर. ओके, they are also termed as nicogens. P is silent here. तो why this nicogens, this is the nicogens जो कि collectively इनके लिए नाम है. इनके जो compound होते हैं उनको हम निकोनाइट्स बोलते हैं. निकोनाइट्स pronunciation में vary, depends on the teacher कि वो आपको क्या पढ़ा रहा है. Okay, now तो from where this name came from, it is the Greek word and it comes from the Greek word जिसको हम Greek में लिखते हैं nicomics. Nicomics. ओके, निकोमिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है सफोकेटिंग. इट इज़ बिकॉज द नेचर, द स्मेल जो होती है इनकी, इट इज़ नॉट वेरी मच प्लीजेंट. दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज सफोकेटिंग, जिसकी स्मेल आपको बहुत इरीटेट करे. फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया की बात करूँ, अमोनिया की स्मेल आप सबने अपने लैब में जरूर एक्सपीरियंस की होगी. इट इज़ वेरी सफोकेटिंग. इवन बहुत ज़्यादा स्मेल, अगर आप कंसनट्रेट स्मेल आपकी नाक में चली जाएगी तो आपकी आंखों से आंसू भी आ जाता है. तो ये हो गया इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द नाइट्रोजन फैमिली. एंड पी ब्लॉक की एक सबसे खास बात क्या होती है कि पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं. ओके, देन मेटलॉइड्स भी होते हैं, एंड लास्ट में हम ये कहें तो मेटल्स भी होते हैं. ये तीनों पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो ग्रुप ब्लॉक्स हैं उनमें ऐसा नहीं है. ओके, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो बेसिकली होते हैं, दीज टू एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. आर्सेनिक एंटीमनी, दीज टू आर द मेटलॉइड्स, एंड बिस्मथ इज अ मेटल. तो इस तरीके से ये हमने कैटेगरी इनकी बना रखी है. अब बात करते हैं इनकी अकरेंस की. ठीक है, तो अकरेंस का मतलब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं. सो अकरेंस की अगर हम बात करें, अकरेंस मीन्स एबंडेंस, कहाँ ये मिलते हैं. तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो तो हमें पता है 78% एटमोसफियर में होती है. बट अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो इसका 33rd नंबर आता है. ये बहुत लेस एबंडेंस है इसकी अर्थ क्रस्ट पे, क्योंकि जो नाइट्रेट्स होते हैं या जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे जस्ट वॉश आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. ओके, इसीलिए इनकी कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा नहीं है. ठीक है, पर फिर भी अगर हम अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से समझें तो दो हम इसका नाम देते हैं. एक तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिसको हम चिली साल्टपीटर के नाम से जानते हैं. चिली इज़ द नेम ऑफ द कंट्री. एंड एक है पोटेशियम नाइट्रेट जो कि इंडियन साल्टपीटर कहलाता है. तो ये दोनों इसकी मेन कंपोजिशन है. अलॉन्ग विद दिस ये हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रोटीन्स में पाया जाता है. प्रोटीन का बहुत बड़ा कंपोजिशन है, क्योंकि प्रोटीन्स क्या दे आर द अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स का मतलब जिसमें अमीन ग्रुप हो, NH2 ग्रुप होता है उसके अंदर. तो इसलिए नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत अमाउंट में पाया जाता है. अब बात करते हैं फॉस्फोरस की. तो फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस जो एपेटाइट फैमिली के नाम से हम इसको पढ़ते हैं कि एपेटाइट फैमिली इसकी सबसे बड़ी सोर्स है. मतलब और की अगर बात करें तो एपेटाइट फैमिली है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है Ca9PO4O6.CaX2. एक बात मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि ये ऑक्सीजन है, इसलिए इसको पूरा सेम साइज़ का रखिएगा जितना फॉस्फोरस की साइज़ होती है, या सल्फेट है तो सल्फर की साइज़ होती है. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ जनरल फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट फैमिली, वेयर एक्स मे बी द Cl, द फ्लोरिन, द OH, ये हो सकते हैं. जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है हमारी बुक में, इसको हम फ्लोर एपेटाइट का नाम देते हैं. फ्लोर एपेटाइट, ये फ्लोर एपेटाइट में क्या हो जाएगा, Ca9 तो रहेगा ही रहेगा, PO4O6 भी रहेगा, और ये CaX2 जो था वो CF2 हो जाएगा. दिस इज फ्लोर एपेटाइट. दिस इज द ओर ऑफ फॉस्फोरस, जहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है. देन उसके अलावा फॉस्फोरस फॉस्फेट्स कुछ रॉक्स होती हैं, फॉस्फेट रॉक्स, ठीक है, उनसे मिलता है.
देन हमारी बॉडी में फॉस्फो प्रोटीन्स के फॉर्म में ये पाया जाता है, तो ये सब इसकी एबंडेंस है, फॉस्फो प्रोटीन्स के फॉर्म में भी मिलता है। ओके तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारी बोन्स में भी इसकी एबंडेंस मिलती है, लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बोन्स में इसकी एबंडेंस पाई जाती है। देन मिल्क और एग्स में ये फॉस्फो प्रोटीन्स के तौर पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्सेनिक एंड एंटीमनी इन बिस्मथ, दे आर मेनली फाउंड इन सल्फाइड, ये अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे जितने भी हैं, आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑल दे आर जस्ट फाउंड इन दियर सल्फाइड फॉर्म। ओके एक्चुअली जितने भी पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स उनकी स्टडी आप करना चाहें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जो हमारे एनसीईआरटी में बोली गई है या जो हमारे एनसीईआरटी में है जिससे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ओके अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, मूव करते हैं। ये तो अकरेंस हो गया, नाउ अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, द फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट आप कैसे कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल्स या सबशेल्स में, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो क्योंकि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है और 15 ग्रुप एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें तो नोबल गैस तो होती ही है, नोबल गैस। ओके इसके साथ साथ NS2 NP3 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी तो 2+3 5 बनेगा और 10 और ऐड करेंगे तो 15 ग्रुप हो जाएगा। तो दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हर एक एलिमेंट फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके पहले की नोबल गैस हीलियम है और ये हो जाएगा 2s2 2p3। सिमिलरली अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो इसके पहले का जो नोबल गैस होगा वो नियॉन हो जाएगी, ये 3s2 3p3। देन आर्सेनिक की अगर बात करेंगे तो आर्गन है इसके पहले की गैस, देन 4s2 एंड 4p3 हो जाएगा। देन इसी तरह से एंटीमनी है, एंटीमनी से पहले क्रिप्टन है, देन 5, इसमें एक और ख़ास बात ध्यान रखनी क्योंकि ये एक चीज़ मिसिंग हो गई इसमें, यहाँ पर भी 3d10 होगा। ओके इस जगह पे आर्गन में 3d10 होगा क्योंकि ये डी इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, ये मैं आपको बताना भूल गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4d10 हो गया है, देन 5s2 हो जाएगा, देन 5p3 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको बिस्मथ की मैं बात करूँ तो बिस्मथ के केस में इसके पहले ज़ेनॉन आएगा और इसमें क्योंकि लैंथेनाइड्स भी इंटर कर चुके हैं तो 4f14 भी होंगे, देन 5d10 होगा, देन 6s2 होगा और 6p3 होगा। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, सबका सेम है 2 3 2 3 2 3 2 3। ओके तो ये इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। नाउ नेक्स्ट इज द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, अगली प्रॉपर्टी हमारी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, एटॉमिक या आयनिक दोनों में से कुछ, या एंड कर देते हैं आयनिक रेडियाई बिकॉज दोनों डिफरेंट इसलिए मैंने स्लैश हटा दिया, सॉरी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एटम की साइज टॉप टू बॉटम हमेशा इंक्रीज करती है, ये सारे ही ग्रुप में फॉलो होते हैं तो इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज़ से फॉस्फोरस, देन फॉस्फोरस से आप जैसे ऐसे नीचे आते जाओगे, ठीक है। बट आपको आपकी बुक की एक टेबल में आपको दिखा रहा हूँ उसमें अगर आप एटॉमिक रेडियस देखिए तो एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस की हेडिंग में नाइट्रोजन की 70 है, देन फॉस्फोरस की 111 है, सॉरी 110 है, देन आर्सेनिक की 121 हो गई, देन 141 हो गई, देन 148 हो गई। ओके तो ये आप देख रहे हो कि सब में इंक्रीज़ तो हो रही है, साइज़ तो इंक्रीज़ हो रही है बट नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में इंक्रीज़ बहुत ज़बरदस्त है। देन जैसे आप फॉस्फोरस से आर्सेनिक पे आते हो तो बहुत नॉमिनल सा इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत छोटा सा रीज़न है कि जब हम आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखे थे अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था आर्गन, देन 3d10, देन 4s2, देन 4p3, तो हमने देखा कि यहाँ पे 3d10 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो गई, तो इन 3d10 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको पता है कि इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जब इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो ये क्या करेंगे, बहुत अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा व्हेन द शेल हैज़ इंक्रीज्ड। अगर आप फॉस्फोरस से आर्सेनिक की बात करिए, जैसे नाइट्रोजन से आए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आए आर्सेनिक, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक शेल बढ़ी है फिर भी साइज उतनी नहीं बढ़ी है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स की साइज जो एटम की साइज से जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है, थोड़ी सी कम हो गई, जैसे न्यूक्लियस था
ये एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे करके चल रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ एक शेल बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं पहले इतनी साइज़ थी, अब एक शेल बढ़ाओगे तो कुछ तो बढ़ेगी ना। तो इन द केस ऑफ आर्सेनिक बढ़ तो रही है, पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये जितनी होनी चाहिए ये उससे कम साइज़ हो जाती है, और ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगी, मतलब ये ऐसे, इसलिए साइज़ बढ़ी तो और उतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आपको एंटीमनी देन बिस्मत के बीच में लगाना है, कि वहाँ पर भी यही होता है कि एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट और भी पुअर होता है। ओके, तो टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेज, इट फॉलो द सेम ट्रेंड, एंड लेफ्ट राइट जाने पे ये डिक्रीज करती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 14 ग्रुप से ये छोटे होंगे, दे आर हैविंग द स्मॉलर साइज दैन द 14 ग्रुप एलिमेंट, एंड दे हैव द बिगर साइज दैन द 16 ग्रुप एलिमेंट, बिकॉज लेफ्ट राइट जाने पे एटॉमिक साइज जो होती है वो घटती है। तो ये एक अलग मैटर है कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो हम क्लास 11th में हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हेनेवर आई विल जस्ट पोस्ट दैट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया कि एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज का क्या, आयनिक साइज का भी लगभग सेम ट्रेंड होता है। देन आयोनाइजेशन इन थैल्पी, द नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन इन थैल्पी। आई थिंक सबको आयोनाइजेशन इन थैल्पी की डेफिनेशन पता होगी, और अगर नहीं पता है तो आप सुन लीजिए। आयोनाइजेशन एन्थैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम, मींस कितनी कम अमाउंट की एनर्जी चाहिए आपको किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज आयोनाइजेशन एन्थैल्पी। तो आयोनाइजेशन एन्थैल्पी का जो ट्रेंड होता है, इट इज ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इसके पीछे का भी रीजन हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन एन्थैल्पी का मतलब कितनी एनर्जी चाहिए आपको किसी एटम से उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आपको कितनी एनर्जी स्पेंड करनी है। तो ये जो एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगी, कितना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है उसी पे तो डिपेंड करेगी। ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो लेस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो, साइज़ बढ़ती है और न्यूक्लियर पुल घट जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है तो उसको निकालना आसान होगा, इसी वजह से आयोनाइजेशन एन्थैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ओके, पर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज़ करती है आयोनाइजेशन एन्थैल्पी। मतलब अगर ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो ये 14 होगा इधर और ये 16 होगा। तो हम अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ट्रेंड 15 ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली की आयोनाइजेशन एन्थैल्पी 14 से ज़्यादा होनी चाहिए, नो डाउट वो है, पर 16 से कम होनी चाहिए। ओके, पर ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ द डिस्क्रिपेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करते हो तो आयोनाइजेशन एन्थैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ये फर्स्ट मैंने लिखा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एन्थैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन आयोनाइजेशन एन्थैल्पी ऑफ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एन्थैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सब में ये एप्लीकेबल होगा। तो आयोनाइजेशन एन्थैल्पी होनी चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन की, पर होती किसकी है? नाइट्रोजन की। क्यों होती है? उसके पीछे का रीज़न है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सबने देखा है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पढ़ा था, NH2NP3, मींस एस में दो इलेक्ट्रॉन्स और पी में 1, 2, 3, अकॉर्डिंग टू हंस रूल आपने पढ़ा हुआ है। जबकि हम अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन एस में और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पी में। ओके, अब आपको देखो साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड अरेंजमेंट होता है तो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है वो एटम। यहाँ पे ना तो हाफ फिल्ड है ना तो कम्प्लीटली फिल्ड है, पर ये एक जब लूज़ कर देगा तब हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाइट्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एन्थैल्पी ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड अरेंजमेंट, इसका हाफ फिल्ड अरेंजमेंट है, इट गेट स्टेबल। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से आयोनाइजेशन एन्थैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। और इस केस में क्या होगा कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज देन ओनली इट कैन अटेन द हाफ फील्ड अरेंजमेंट। ओके, तो ये हो गया एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है, पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। आयोनाइजेशन एन्थैल्पी की बात आती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये एक टेंडेंसी है जो किसी भी नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। ओके, कि कितनी आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये हमेशा नीचे आने पे घटती है। ये क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि नीचे आने पे मेटालिक करेक्टरिस्टिक बढ़ता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर पुल पे डिपेंड करती है, या कह सकते हो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा
उतना स्ट्रांगली वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. तो टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट इज वाई वी कैन से दैट इट डिक्रीजेज अराउंड द ग्रुप. लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर इट इंक्रीजेज. लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज करेगी. ओके तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी. अभी तो हम सिंपल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम कहें तो मैंने शुरुआत में बताया था नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये नॉन मेटल्स में आएंगे, आर्सेनिक एंटीमनी ये मेटलॉइड्स में आएंगे. ये सब आपको ध्यान रखना है. ओके एंड जो बिस्मथ होगा ये मेटल्स में आएगा. तो अगर हम कहें तो ये ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो पॉलीएटॉमिक हैं. द फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलीएटॉमिक का मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट इनके अंदर पाए जाएंगे, जैसे N2, P4 है ना, ये सारे एग्जांपल्स हो गए. उसके अलावा नाइट्रोजन जो हमारी है वो डायटॉमिक गैस है. डायटॉमिक गैस कौन है? नाइट्रोजन. ओके N2. पर उसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑल आर सॉलिड. जितने भी हैं सारे के सारे सॉलिड हैं. ठीक है, तो मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा. ये मैंने आपको समझा दिया. दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी. जो टॉप टू बॉटम आने पे इनका मेटालिक करेक्टरिस्टिक इंक्रीज करता है, बिकॉज नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज कर पाएंगे. क्लियर हो गया. नाउ जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करता है. बॉइलिंग पॉइंट हमेशा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है. किसी एक एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड जब बनाएंगे तो हम दूसरी, क्योंकि कंपाउंड बनने के बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि मास बढ़ता है, मास इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से वैन डेर वाल फोर्स जो होता है, वैन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. ओके नाउ उसके बाद एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी. तो नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रॉपी को शो नहीं करता. पहले तो समझना एलोट्रॉपी क्या होती है. एलोट्रॉपी मुझे लगता है सबको पता भी होगा एलोट्रॉपी क्या होती है. जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं. मतलब एलोट्रॉपी वो एक फिनमिना है जिसमें कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म को एग्जिबिट करता है. तो नाइट्रोजन इसको शो नहीं करता है, बाकी सारे एलोट्रॉप्स बनाते हैं जैसे रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस है ना. लेकिन हालांकि इस सेशन में हटा दिया गया सिलेबस से, पर ये होता है. अब आप आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ. नेक्स्ट स्टडी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए था. तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एलिमेंट्स के, इनको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3. मीन्स -3 इसकी मिनिमम स्टेट होगी. और मैक्सिमम स्टेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोशल में होता है उसको वो दे देगा तो पॉजिटिव स्टेट आ जाएगी. तो +5 मीन्स -3 से +5 इसकी रेंज है. और ये -3, +3 और +5 आसानी से शो कर लेते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा जब ये ऑक्साइड्स बनाते हैं तो ऑक्साइड्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल स्टेट देते हैं. +1 देते हैं, +2 देते हैं, +3 भी देते हैं, +4 भी देते हैं. जैसे नाइट्रोजन ये सारे स्टेट को शो कर लेता है आसानी से जब ये अपनी ऑक्साइड्स बनाता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तो उनमें ये सारे स्टेट भी शो करेंगे. फॉस्फोरस भी कुछ स्टेट शो कर लेते हैं पॉजिटिव की, बट नॉट एवरी पॉजिटिव स्टेट. तो ये इसकी रेंज हो गई -3 से +5, -3, +3, +5 ये कॉमन स्टेट्स हैं. पर कुछ और पॉजिटिव स्टेट होती हैं जो ऑक्साइड्स के केस में ये एग्जिबिट करते हैं. ओके नाउ बात करते हैं हम बॉटम के एलिमेंट की, यानी कि बिस्मथ की अगर बात करें तो आप जानते हो कि टॉप टू बॉटम आने पे जैसे 2 स्टेट हैं, +3 भी है और +5 भी है. तो +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और +3 की स्टेबिलिटी नीचे आने पे इंक्रीज करेगी. ओके लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर. तो आपको सारी चीज़ों पढ़ने के लिए पहले पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी आप सारी चीज़ समझ पाएंगे. तो ऐसा क्यों होता है कि नीचे आने पे +5 स्टेट घट जाती है और जबकि +3 बढ़ती है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा हम रीज़न लिखते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में. इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम ये कहते हैं जो हैवियर मेंबर्स होते हैं उनके जो, जैसे मान लो यहाँ NH2NP3 था, तो ये NH2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत अंदर प्लेस्ड हैं, इसके 4F इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, देन 5D इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं. तो
तो इनकी वजह से ये बहुत इनसाइड प्लेस हो जाता है और ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं, इसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसको अनपेयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एनपी इलेक्ट्रॉन इजीली अनपेयर हो जाते हैं तो प्लस थ्री स्टेरिया आसानी से शो करते हैं। तो बिस्मथ के ऐसा नहीं कि पेंटाहेलाइड्स नहीं होते हैं, ओके पेंटाहेलाइड्स भी इसके पाए जाते हैं, पर उसका जैसे एक ही बिस्मथ का जो कंपाउंड है BIF5 यही है जो स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल हैं क्योंकि वो अपने प्लस थ्री स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके नाउ, अब मैंने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है अपनी ऑक्साइड्स में, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करेगा। डिसप्रोपोर्शनेशन, ये एक नंबर पर क्वेश्चन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ये पूछी जाती है नाइट्रोजन की। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ HNO2 नाइट्रस एसिड है, ये जब कन्वर्ट होगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, वाटर बनाएगा और 2NO बनाएगा, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब आप इसमें देखो HNO2 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना आता होगा तो इसकी स्टेट आ रही है प्लस 3, यहाँ पर नाइट्रोजन की स्टेट आ रही है प्लस 5, यहाँ पर आ रही है प्लस 2, मीन्स ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ये रिड्यूस भी हो रहा है। तो जब किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो ऑक्सीडाइज भी हो तो उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन का एक अच्छा एग्जांपल है, तो इसको याद रखिएगा, ओके क्योंकि ये एक नंबर में एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब हम बात करते हैं एक और कोवेलेंसी की बात। कोवेलेंसी क्या होती है? कोवेलेंसी मुझे लगता है सबको पता होगा कोवेलेंसी क्या है। कोवेलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड by any element। तो covalency of nitrogen जो है, nitrogen की covalency cannot be expand, cannot be expanded beyond 4। ये 4 से ज़्यादा अपनी covalency को expand नहीं कर सकता है, जबकि rest of the members जो हैं arsenic ये सब अपनी covalency को 5 से ज़्यादा expand कर सकते हैं। जिसका एक बहुत अच्छा सा example है PF6-, ये रेडिकल हैं, हालांकि ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि फास्फोरस के साथ ऐसा हो सकता है पर नाइट्रोजन ऐसा कुछ नहीं बना सकता है। ओके इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में आता है 2s2 2p3, जबकि फास्फोरस में आउटरमोस्ट शेल में आता है ये, ठीक है। इसके पहले नोबल गैस भी है, ध्यान रखिएगा। तो एस, अगर इफ़ एन इज इक्वल टू 2 तो एल की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 and 1, मीन्स SNP ही हो सकता है। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, मीन्स s भी है, p भी है और d भी है। तो 3s और 3p तो आपको दिख रहा है, यहाँ 3d नहीं दिख रहा है, ओके तो 3d है ज़रूर, वो यहाँ पे लिखा नहीं है पर इट इज़ अवेलेबल। तो इट इज़ अवेलेबल इट मीन्स कि वेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स विल अनपेयर, जैसे अगर हम ये कहें फॉस्फोरस के केस में, जैसे ये है नाइट्रोजन का केस, दो इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 1, 2, 3 इसमें, जबकि फास्फोरस में भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 1, 2, 3 है, पर इट हैज़ 3d ऑल्सो, इसके पास 3d भी है, ये 3p था, ये 3s था, ये 2s था, ये 2p था, पर इट डजंट हैव 2d बिकॉज 2d होता ही नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी इसका d सबशेल इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये कोवेलेंसी जो फास्फोरस की है ये कोवेलेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 5वां ऑर्बिटल, छठा ऑर्बिटल भी ये इस्तेमाल कर सकता है, तो कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर पा रहा है। लेकिन नाइट्रोजन के पास जब ये है ही नहीं 2d ऑर्बिटल, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 1s का और 3p का, यानी टोटल कितने हो गए, 4। तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 4 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यही इसलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, ठीक है। अब आती है एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो हर एक ग्रुप में फर्स्ट मेंबर के बारे में कहा जाता है। तो हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है, उसके पीछे कुछ रीज़न बताए जाते हैं, एक तो स्मॉल साइज होना, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई हर एक ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की होती है, देन हाई आयोनाइजेशन इनथैल्पी का होना है ना, ये भी एक पॉइंट है, और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स का ना होना। तो ये सब रीजन जिसकी वजह से ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप शो द एनोमलस बिहेवियर, वैसे ही नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के पास भी यही है, उसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कौन कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, जैसे पहली यूनिक प्रॉपर्टी जो इसकी है, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है आपस में, एज वेल एज विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड
पीरियड एलिमेंट, ओके, जैसे कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन सब के साथ बना सकता है, पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ओके। और इसी वजह से अगर हम कहें तो नाइट्रोजन जो है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ओके, क्लियर हुआ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, क्योंकि ये पी पाई बना सकते हैं लेकिन बाकी सारे नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये वो क्यों नहीं बना सकते, इसके रीज़न भी आपको जानना ज़रूरी है कि जैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरस की या आर्सेनिक की या एंटीमनी की, तो ये पी पाई ना बना पाने की रीज़न क्या होता है कि इनके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन साइज, है ना, इनके बहुत लार्ज होते हैं और डिफ्यूज़ भी होते हैं, तो इसकी वजह से जो इनकी ओवरलैपिंग होती है पी पाई की वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो हम मान के चलते हैं कि वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। हाँ, पी पाई डी पाई बॉन्ड ये बना सकते हैं, ये सारे बॉन्ड ये बना सकते हैं, पर ये नाइट्रोजन नहीं बना सकता, तो ये इसका एनोमलस बिहेवियर हुआ, ओके। अलॉन्ग विद दिस, ये मैंने कहा था कि जो इनके अंदर क्या होता है कि एक क्वेश्चन वन मार्क में पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो तो N2 फॉर्म में, पर फॉस्फोरस P4 में है, यानी कि इट हैज़ सम कैटेनेशन, दैट्स वाई नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स आर मोर, ओके। तो इसके पीछे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कि कैटेनेशन टेंडेंसी बहुत कम होती है इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज कैटेनेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड बनना, एन सिंगल बॉन्ड एन, और आप अपनी NCERT में अगर देखिए तो एक बहुत अच्छा सा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल PP बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, एज अ रिजल्ट ऑफ द कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbitals, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से डी पाई पी पाई नहीं बना पाएगा, बाकी सारे मेंबर्स बनाते हैं, जैसे आप ये देखिए डी पाई पी पाई बने हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं वो बना लेते हैं, ओके। सो आज की वीडियो 30 मिनट्स की हो चुकी है अभी की, इसलिए मैं अभी लेक्चर को यहीं एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम आपको रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देन नाइट्रोजन को हम डिस्कस करेंगे, एंड अगर टाइम मिला तो अमोनिया को भी डिस्कस करेंगे, ओके। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।